ऑथेंटिक नॉनवेज एंड वेज रेस्टोरेंट तंदूरी नेशन ओपनिंग नाउ 18 सितंबर हॉक कैंटीन मकरोनिया रोड सागर वी नर्चर विद केयर डेवलपिंग द विजन एंड डिटरमिनेशन वी शेप द फ्यूचर ऑफ द नेशन वी आर ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल अब मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों के निधन के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। 25 सीटों पर उपचुनाव वहां के विधायकों के इस्तीफा देने के कारण हो रहे हैं। ये सभी तत्कालीन विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रमेश सिंह ने अपना इस्तीफा राज्य शासन को भेज दिया है। रमेश सिंह ने एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की थी। रमेश सिंह ने अनूपपुर विधानसभा सीट से दावेदारी पेश की है। अगर कांग्रेस रमेश सिंह को अनूपपुर से अपना प्रत्याशी बनाती है तो अनूपपुर का उपचुनाव दिलचस्प हो जाएगा। एमपी में कोरोना संक्रमित मिलने का सिलसिला जारी है। अब दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जानकारी दी है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पहले वह गड़ाकोटा की किसान जन न्याय यात्रा में शामिल हुए थे। इस यात्रा में दर्जनों लोगों के संपर्क में आए हैं, जिस पर कोरोना का संकट छा गया है। एमपी के दमोह जिले में आसमानी आफत कहर बनकर बरपी है, जिसमें से 3 अलग अलग जगहों पर 7 लोगों की मौत हो गई। तेजगढ़ थाना क्षेत्र में खेत में काम कर रहे 5 लोगों के ऊपर बिजली गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हुई, तो हटा थाना क्षेत्र में भी 2 अलग अलग जगहों पर लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है। देश की टॉप 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय 13वें स्थान पर है। हर साल देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करता है। विश्वविद्यालय का इस बार प्रदर्शन बेहतर रहा है। 5 पैरामीटर पर रैंकिंग की थी। इसमें विश्वविद्यालय को 1000 अंक में से 500 से ज्यादा अंक मिले हैं। 2020 में हुए सर्वे के दौरान सागर विश्वविद्यालय ने खुद को बेहतर स्थिति में लाते हुए सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है। शिवपुरी जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। यहां पर 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसलिए राजनीतिक रैलियां और जनसभाएं की जा रही हैं। सपाक्स के पदाधिकारियों ने चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगाई जाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही इस्तीफा देने वाले विधायकों पर चुनाव लड़ने की पाबंदी लगाए जाने की मांग की है। कांग्रेस की विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने वाले मंत्री हरदीप सिंह डंग चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में पहुंचने लगे हैं, लेकिन किसान मुआवजे के नाम पर उनका विरोध किया जा रहा है। अपने विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा के दौरान लोगों ने वहां से मंत्री हरदीप सिंह डंग को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रायसेन जिले में दशहरा मैदान में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के पक्ष में सभा की और 291 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान बारिश से बचने के लिए लोगों को कुर्सियों की ओट लेनी पड़ी। सागर शहर के सिविल लाइन पर करनी और शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिवसेना के सांसद संजय राउत का पुतला जलाने को लेकर आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। उधर स्थिति को बिगड़ता हुआ देख पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाइश देने के बाद मामला शांत करा दिया गया। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग 29 नवंबर से पहले बिहार चुनाव के साथ 64 सीटों पर उपचुनाव के संकेत दे चुका है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि 20 सितंबर के आसपास आचार संहिता लग सकती है। इसी को देखते हुए राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऑथेंटिक नॉनवेज एंड वेज रेस्टोरेंट तंदूरी नेशन ओपनिंग नाउ 18 सितंबर हॉक कैंटीन मकरोनिया रोड सागर वी नर्चर विद केयर डेवलपिंग द विजन एंड डिटरमिनेशन वी शेप द फ्यूचर ऑफ द नेशन वी आर ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल